ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 30 जून 1964। आठवें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, महिमा सारी लक्ष्मी नारायण की है। थॉट वर्ल्ड इंडीड, सर्वगुण संपन्न सोला कला संपूर्ण सन्यासियों की ये महिमा होती है क्या? नहीं, ये महिमा इन लक्ष्मी नारायण की है। इनकी है, इन लक्ष्मी नारायण और उन लक्ष्मी नारायण क्या अंतर हुआ है? सतयुग के जो लक्ष्मी नारायण है उनकी महिमा नहीं है, जो संगमयुगी नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, उनकी ये महिमा है। और दोनों की अलग है, बनाने वाले की अलग और इनकी महिमा अलग। उस बनाने वाले को तो कहा ही जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, इसको कौन बनाने वाला? मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन? बनाने वाला मन रचयिता। मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार? साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता भी साकार होगा, मोस्ट बिलीव्ड। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर, पवित्रता का सागर, सब सागर ही सागर। नाम भी है उनका ज्ञान सागर। तो हर बात का सागर है ना। अभी उनकी महिमा अलग हो गई, दूर क्यों कर दिया? इनकी महिमा अलग हो गई, उनकी महिमा अलग हो गई, इनको नजदीक क्यों कर दिया? इनको माने कौन है? इनकी माने कौन? लक्ष्मी नारायण के चित्र की तरफ इशारा किया, राधा कृष्ण की तरफ इशारा नहीं किया। इन नर से नारायण बनने वाले की महिमा अलग, और इनका जो रचयिता है वो कौन? अभी उनकी महिमा अलग हो गई, अभी माने कभी है, अभी माने संगम युग में उनकी महिमा अलग हो गई। उनको दूर क्यों कर दिया है? अरे
अभी अभी बताया मनुष्य सृष्टि का बीज रूप उनको कहा जाता है। उनको किनको दूर क्यों कर दिया है? उनकी महिमा अलग हो गई, उनकी कह के दूर करने का कारण क्या बताया? आने वाली पार्टी, हाँ, आने वाला जो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष है, जिसमें बाप को प्रत्यक्ष होना है। किसका बाप? सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। उनकी महिमा अलग हो गई। अरे प्रेसिडेंट की महिमा अलग, प्राइम मिनिस्टर की अलग, एमपी की महिमा अलग, या अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासेर भाजी टकासेर खाजा, किनकी बात बताई है? आज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी, जो भी कहो, इनके लिए क्या बोला? अंधेर नगरी चौपट राजा, टकासिर भाजी टकासिर खाजा। अभी तो सब भगवान ही भगवान हो गए। भगवान सर्वव्यापी। एक गवर्नर के यहां से कोई दो बड़े पंडित कल आए थे, बोले हम तो भगवान हैं। अच्छा भाई, तुम भगवान हो तो क्या इस सृष्टि के रचयिता हो? तीस 64 की वाणी का 9वां पेज चल रहा है। कैसे आपने रचना रची? भला भगवान हो तो आप आए किसके पास हो? कुआ प्यासे के पास जाता है या प्यासा कुएं के पास जाता है? तो आप प्यासे भगवान हैं या सारे संसार को जल देने वाले ज्ञान सागर हैं? किसके पास आए हो? तो बोले भगवान को भगवान के पास आने में क्या होता है? माना, इतना मान लिया, हम भी भगवान तो तुम भी भगवान। ऐसे बहुत हैं, ये भी एक है, जिधर देखता हूं तू ही तू है, तू ही तू, वाह वाह, तू ही तू। ये देखो मक्खी है, क्या है? अरे ये मक्खी उड़ रही है, ये क्या है? ये भी भगवान हो गई। वाह वाह, तू ही तू मक्खी। मक्खी को भी तो ऐसे ही कहेंगे। तो ये बातें अनुभव से बाबा बताते हैं, देखे हैं। अभी है ऐसा, हाँ भगवान है तो पूछना चाहिए, भला यहां आए किस लिए हो? है भगवान धक्के खाते हैं या भक्त भगवान के धक्के खाते हैं? भक्त भगवान के धक्के खाते हैं,
और भगवान तो कहीं धक्का खा ही नहीं सकता। तो बोले बस आए हैं अपनी लीला करने और देखने। अरे भाई तुम पवित्र रहते हो, पवित्रता जानते हो, भगवान तो हमेशा पवित्र है। भगवान इस सारी सृष्टि को चलाने वाला तो दुनिया के सारे काम किस बात से होते हैं? पवित्रता से ही होते हैं। तो भगवान तो हमेशा ही पवित्र है ना, वो लीला करते हैं तो भी पवित्र। क्या लीला करते हैं तो भी पवित्र? अरे ऐसी ऐसी बातें कहते हैं और खिलते हंसते ऐसे हैं जैसे बड़े खुशी में कोई आ गया। वाह वाह, जिधर देखता हूं भगवान ही भगवान। समझा ना बच्चे? तो बाबा कहते हैं क्या ये मूर्ख हैं, देखो बस जो एक ने कहा तो उनके फॉलोअर्स बन गए और इससे उनका नाम हो गया। अभी उनका वो पार्ट सिख लाने का, तुम समझे कि बरोबर वो आत्मा आकर के ये सभी सिखलाती है। जो भी तुम देखे ये सभी कोई न कोई से सीखे हुए हैं। बाप बैठ करके कहते हैं भगवान तो सारी दुनिया का जगत गुरु, भगवान किसी से बैठ करके सीखेगा क्या? भगवान को कोई सिखाने वाला है, पढ़ाई पढ़ाने वाला है? भगवान को कौन पढ़ाएगा? जो खुद किसी से सीखते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, वो भगवान कैसे हो सकते? बाप बैठकर कहते हैं अभी देखो तुम बच्चों को बिलवेड मोस्ट बनना है। जैसे कि तुम्हारा बाप है जैसे तुम बनेंगे, जितना बनेंगे इतना बाप का नाम बाला करेंगे और फिर तुमको दूसरे फॉलो करेंगे। है ये गीता ज्ञान है या नहीं है? क्या यद यद आचरते श्रेष्ठ तद्दत देवेतरो जन। श्रेष्ठ आत्मा जैसे कर्म करती है, श्रेष्ठ आत्मा को सारी दुनिया फॉलो करती है। अगर तुम उल्टे सुलटे चलेंगे तो बोलेंगे ये क्या, ये कैसे भगवान के बच्चे, इनको हम कैसे फॉलो करेंगे, इनको तो कोई भगवान पढ़ाने वाला नहीं, हमें ऐसा ही देखने में आता है। क्योंकि भगवान तो पढ़ा करके एकदम मोस्ट बिलीवेड बनाते इसको, है एकदम मोस्ट बिलीवेड किसको बनाए देते है खास और
और फिर आम किसको? खास लक्ष्मी नारायण को और फिर उनकी सारी प्रजा को भी मोस्ट बिलीवेड बनाए देते, यथा राजा तथा प्रजा। स्वीटेस्ट ते स्वीट, किनसे तुलना की है? यथा राजा लक्ष्मी नारायण और तथा प्रजा, उनकी तुलना किससे की? मोस्ट स्वीटेस्ट, कहते हैं ना गुड बेटर बेस्ट, स्वीट स्वीटर स्वीटेस्ट। तो ये स्वीटेस्ट तुलना किससे की? अरे शिव बाबा से की, संगम युग लक्ष्मी नारायण यथा राजा तथा प्रजा, सारी प्रजा मोस्ट स्वीटेस्ट किसके मुकाबले है? लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी और उनके मुकाबले जितने भी इस सृष्टि पर धर्म पिताएं आते हैं, जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, और उनकी सारी प्रजा, सब धर्मों की धर्म पिताएं और उनके फॉलोअर्स, धर्म को फॉलो करने वाले धर्मावलंबी, उनके मुकाबले लक्ष्मी नारायण की प्रजा भी क्या कहेंगे? मोस्ट स्वीटेस्ट, माने हर धर्म वालों से मोस्ट स्वीटेस्ट। तो देखो गीत भी कितना अच्छा है। अरे भाई एक सेकंड गीत रिपीट करो। क्या ये किसने बोला होगा? है किसने बोला? बाबा ने बोला। अरे बाबा तो बुड्ढे को भी कहा जाता है, हैं? ब्रह्मा बाबा बुड्ढे थे तो उनको बाबा नहीं कहेंगे? किसने रिपीट किया? शिव बाबा ने कहा है एक सेकंड गीत रिपीट करो। और मुरली में शिव बाबा कहते हैं गीत गाना नहीं है और वास्तव में गीत बजाना भी नहीं है। क्यों? भक्ति मार्ग का इसलिए? अरे नहीं, इसलिए गीत गाना नहीं है, इसलिए गीत बजाना नहीं है कि तुम औरों को सारी दुनिया को संदेश देते हो, विनाश सामने खड़ा है। क्या? खून की नदियां सामने बहने वाली हैं और तुम डपली बजाओ, गीत बजाओ, गाना गाओ, तो ये तर्क संगत है? है, है? कोई मानेगा भगवान आया हुआ है, दुनिया का विनाश होने वाला है और ये डांस कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं? है? ब्रह्मा कुमारियां क्या कर रही हैं? है? गीत गा रही हैं, डांस कर रही हैं। तो दुनिया वाले मानते हैं? मानते हैं? बिल्कुल नहीं मान सकते। तो किसने कहा ये? ब्रह्मा बाबा ने कहा। तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की वाणी के बीच में इंटरफियर करके बोलते हैं। क्यों इंटरफियर करके बोलते हैं? हाँ बच्चा बुद्धि है ना, छोटा बच्चा होता है तो माँ बाप बात करते हैं वो बीच में अपनी टांग अड़ा के बोल देता है, ये नहीं समझता मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो ये कथा पूरी हुई, अब गीत रिपीट करो। इसको कथा कहते हैं। किसको? है भगवान के सर्वव्यापी होने की कथा, वो नॉलेज कहते हैं ना। कौन? वो सर्वव्यापी की कथाओं को वो भक्त लोग क्या कहते हैं? वो नॉलेज है।
इसको आखानी कहा जाता है। तुम बच्चों को ये मालूम हो गया है कि कहते हैं लांग लांग यानी 5000 वर्ष पहले इस भारत में लांग लांग एगो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है इस दुनिया में, चाहे कोई कितना भी विद्वान हो, ये कभी नहीं कह सकते क्या है लांग लांग एगो। अभी कहते भी है क्राइस्ट से 3000 ईयर्स बिफोर ये भारत परिस्थान था। कौन कहते हैं है? अरे क्रिश्चियंस कहते हैं भारत में आज क्राइस्ट से कितने वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले भारत में परिस्थान था। अभी देखो कहते हैं लिखा हुआ है, कहां लिखा हुआ है, यहां भारत में भी लिखा हुआ है। भारत में कहां लिखा हुआ है, जो बिरला मंदिर है खास दिल्ली का उसमें लिखा हुआ है। अरे बिरला मंदिर में जाओ देखो तो पट्टा लगा हुआ है। बाबा ने एक दफा वहां देखा हुआ है कि बरोबर यहां धर्मराज ने 5000 वर्ष पहले परिस्थान स्थापन किया था। कहां, बिरला मंदिर में किया था है? हाँ, दिल्ली में धर्मराज ने इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई थी तब परिस्थान स्थापन हुआ था। कौन से युद्ध के बाद, महाभारत युद्ध के बाद। इसलिए मुरली में भी बाबा क्या बोलते हैं, गेट वे टू हेवन इज महाभारत। ये महाभारत युद्ध स्वर्ग के द्वार खोलता है। कोई महाभारत युद्ध में पसार न हो, कहीं हम नहीं युद्ध करेंगे, हम तो बौद्ध हैं। तो स्वर्ग में जाएगा है? नहीं जा सकता। और वो महाभारत युद्ध हिंसक युद्ध था या माया का युद्ध था है? माया का युद्ध था। अरे माया का युद्ध था तो अर्जुन वो युद्ध करने से डरता क्यों था, मना क्यों कर दिया है? मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो बाबा कहते अरे एक अर्जुन की बात नहीं है, ये तो अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाले ढेर के ढेर अर्जुन हैं, जो ब्रह्मा कुमारियों की पढ़ाई पढ़ते हैं तो मना कर देते हैं हम मैं युद्ध नहीं करूंगा। विश्व ज्ञान में क्या सिखाते हैं है? माया का युद्ध करना है, माया के युद्ध में सबसे बड़ा युद्ध कौन से विकार का है, काम विकार का। ब्रह्मा कुमारियों के सामने ये बात आएगी तो युद्ध करने के लिए तैयार होंगे या मना कर देंगे है? मना कर देंगे। क्या सन्यासी है, है? सन्यासी है। और गृहस्थी, गृहस्थी क्या करते हैं, युद्ध करते हैं या नहीं करते हैं? इसलिए कहा
अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। क्या मतलब हुआ? मतलब यही हुआ कि जो भी सरेंडर हैंड थे वो मोस्टली सब रह गए। और कौन ले गए? हैं? गर्भग्रस्त में रह जाकर के जो माया का युद्ध करने में अखाड़े में आकर के निडर होकर के युद्ध करने वाले थे वो विजयी हो गए। क्या ले गए? हैं? क्या ले गए? हैं? अरे ज्ञानामृत ले गए। अमृत पी करके देवताएं क्या बने? अमर बने। तो देखो उन सफेद कपड़े वालों सन्यासियों ने नहीं पाया। किसको? ज्ञान को, भगवान के उस ज्ञान को, जो ज्ञान भगवान आकर के देते हैं। ज्ञान माने जानकारी, सच्ची जानकारी दुनिया में कौन देता है? सारी दुनिया में सब झूठे, असंख्य चोर हरामखोर, तो कौन सच्चाई बताएगा? एक भगवान शिव ही है जो श्रीमद् भगवत गीता सुना करके गीता ज्ञान देते। लेकिन भक्तों ने क्या कर दिया गीता में? हैं? अरे हिंसा की युद्ध दिखाई दिया। दो सेनाएं हिंसा करने के लिए आपस में खड़ी हुई थी और उनके बीच में भगवान ने ज्ञान सुनाया। अब कौन सी दो सेनाओं के बीच में है बात? है ये कौरवीय सेना, कुरु की संतान। किनकी संतान? कुरु माने क्या है? नहीं, कुरु माने करो करो करो। क्या करो? है कुरु ने डायरेक्शन दिया, कुरु करो, तो जो फॉलोअर है वो क्या करेंगे? है? है? हाँ, वो हिंसा ही करेंगे, या तो हिंसा करेंगे, लेकिन वो अपने को हिंसक समझते हैं। हैं? कहते एडवांस पार्टी वाले बड़े हिंसक हैं, काम विकार की सबसे जास्ती हिंसा देखनी हो तो एडवांस पार्टी वालों के घर में जाकर के देख लो, और हम तो पवित्र रहने वाले सन्यासी हैं। सन्यासी पवित्र रहते हैं, अग्रस्ती तो अपवित्र रहते हैं। तो देखो भगवान क्या कहते हैं और भक्त क्या समझते हैं। भक्तों ने समझा कोई महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध कराया, और बाबा ने क्या समझाया? ये महाभारी महाभारत हिंसक युद्ध की बात नहीं है, काय की बात है? हैं? माया के युद्ध की बात है। और माया कहा ही जाता है पांच विकारों को, और पांच विकारों का भी सरताज कौन? पांच विकारों का सरताज देवांत तो उनका बाप हो गया है, काम विकार। तो गीता में कहा जह्येनम पापमानम। क्या? ये जो पाप महात्मा है कौन? काम विकार, इसको तू जीत ले। और जीतने वाला युद्ध में अखाड़े में आएगा ही नहीं। क्या? पहलवान अखाड़े में आए बगैर जीत पालेगा? हैं? जीत कैसे पाएगा? वो तो डरपोक है। जंगल में चले जाते हैं, गर्भग्रस्त को छोड़ देते हैं, तो डरपोक हुए या निडर हुए? डरपोक। भगवान तो सिखाते हैं गर्भग्रस्त में रहो, और गर्भग्रस्त में रहते हुए भी पांच विकारों के ऊपर जीत पाओ। उनमें भी सबसे पहले जो पहला डकैत है मुखिया, उसको जीत लो।
तो देखो भगवान क्या सिखाते हैं और भक्त क्या समझते हैं। क्या ऐसा उन्होंने क्यों समझा? गीता का भगवान किसको लगाई दिया है? कृष्ण बच्चे को लगाई दिया। अब बच्चा कृष्ण है जिसकी मंदिरों में पूजा होती है, वो विकारों से क्या जाने, वो विकारों की बातों को समझेगा है? अरे बड़ी उम्र वाले समझेंगे, नौजवान समझेंगे, उनसे बड़े हैं वो समझेंगे, या बच्चा समझेगा? बच्चा बुद्धि कैसे समझेगा? नहीं समझा तो हिंसक युद्ध लगाई दिया। अब ब्रह्मा बाबा ने कौन सा युद्ध समझा होगा है? कौन सा? हिंसक युद्ध समझ लिया। तो फॉलोअर्स ने भी हिंसक युद्ध समझ लिया। अब बाबा कहते हैं अगर स्वर्ग स्थापन करना है, स्वर्ग में जाना है, तो क्या करना पड़े तब ही स्वर्ग में जा सकेंगे है? माया से युद्ध करना पड़े, पक्का पहलवान बनना पड़े। क्या पहलवानी सिखाते हैं है? सिखाते हैं कि घर गृहस्थ में रहो, और घर गृहस्थ में रहते हुए भी प्रजापिता ब्रह्मा के क्या बन करके रहो है? भाई बहन बन के रहो। भाई बहन बन करके रहने के लिए सबसे धोखा देने वाला अंग कौन सा है? है जो काम विकार की शुरुआत कर देता है, आंखें। ये आंखें बड़ी चंचल है, बड़ा धोखा देने वाली है। तो देखना है कि सुबह से लेकर के शाम तक के जीवन में हम भाई बहन ये कितनी भूल करते हैं। क्या कि भाई बहन की दृष्टि लोप हो जाती है? कौन सी दृष्टि आ जाती है? हैं? स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है। जो स्त्री पुरुष की दृष्टि आ जाती है ये क्या हुई है? विकारी दृष्टि हो गई। आंख से विकृत बनेंगे तो वायुमंडल कैसा बन गया? वायुमंडल विकारी बन गया। विकारी वायुमंडल फिर बाद में खींचता रहता है, बुद्धि को ही खींच के रख देता है। खींच के रखता है या नहीं रखता है? खींच के रख देता है। अब बाप कहते हैं माया का युद्ध करो, तो क्या करें? आंखें नीची करके चले हैं? क्या करें? आत्मिक दृष्टि से देखो, अपन को आत्मा समझो, और जिसको देखो उसको भी आत्मा समझो। आत्मा आत्मा भाई भाई, आत्मा आत्मा भाई भाई समझेंगे तो परमपिता परमात्मा बाप भी याद आएगा। और वो परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं कर्म करना है या कर्मधारा को छोड़ देना है? हैं? कर्म करना है। अच्छा हाथों से ही कर्म करना है कि और इंद्रियों से भी कर्म करना है? हैं? अरे हाथों से हाथों के द्वारा किए हुए कर्म को ही जीतना है या सभी इंद्रियों के कर्मों को जीतना है? उनमें मुख्य कौन है? मनसा। मनसा कोई कर्मेंद्रिय होती है? अरे दस इंद्रिय हैं। दस मन इंद्रिय है। मन जो है कोई स्थूल इंद्रिय नहीं है, दस स्थूल इंद्रियां हैं।
जिनके लिए कहा जाता है इंद्रियाण पैरान्याहु, इंद्रियेभ्य परो मन है। और दसों इंद्रियों का मुखिया कौन है? मन। तो मन जो है वो कहां लगाना है? बाप की याद में लगाना है। और अगर ऐसी प्रैक्टिस पक्की कर ली कि बाप की याद में मन लग रहा है, तो कर्म इंद्रियों से कोई भी कर्म करेंगे उसका पाप कर्म लगेगा? नहीं लग सकता। इसलिए गीता में लिखा है कि जो योगनिष्ठ है वो सारे संसार की भले हत्या ही क्यों न कर दे तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगता। विनाश गाया हुआ है ना सृष्टि का? नहीं है, गाया हुआ है। और विनाश काय से होता है, स्थापना काय से होती है? है पवित्रता से स्थापना होती है और अपवित्रता से विनाश होता है। तो शंकर के लिए कह दिया, शंकर विनाश कराते हैं। क्या शंकर विनाश कराता है? करता है, करता है, है? अरे एक तरफ बाबा कहते हैं ज्ञान का सागर, किसको किसको कहा ज्ञान का सागर? है लक्ष्मी नारायण को? हाँ, प्रजापिता अलग और शंकर अलग। एक ही व्यक्तित्व में कई आत्माओं का संकरण होता है तब कहा जाता है शंकर। क्या? और संकरण नहीं होता है, एक ही आत्मा कर्म करती है, बोलती है, देखती है, तो उसे क्या कहेंगे? तब उसे प्रजापिता कहेंगे। तो शंकर को प्रजापिता समझ लेना या प्रजापिता को शंकर समझ लेना, ये तो भारी भूल हो जाती है। तो बात चल रही थी शंकर विनाश नहीं करता है। मुरली में क्या बोला? शंकर विनाश करता है? नहीं, शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। अरे मुरली में बोला कि नहीं? कुछ करना धरना होता है तो कर्म इंद्रियों से करना धरना होता है या ठाले बैठे करना धरना हो जाता है? है कर्म इंद्रियों से करना धरना होता है। और शंकर जी के चित्र कौन से प्रसिद्ध हैं? ठाले बैठे शंकर जी का प्रसिद्ध चित्र दिखाए जाते हैं दुनिया में, या कोई कर्म करते हुए विशेष दिखाए जाते हैं ज्यादा? ठाले बैठे याद में बैठा है। और याद करना कोई कर्म नहीं है। कर्म है? कर्म तो कर्म इंद्रियों से किए जाते हैं। तो ऐसे ही झूठा बोल दिया है। क्या? शंकर विनाश करते हैं। तो करते हैं क्या? करते हैं। शंकर विकारी है? अरे शंकर विकारी है, फिर क्यों कह दिया भक्ति मार्ग में विष पीता है? हैं? अरे शंकर विष पीता है या नहीं पीता है? हैं? शंकर विष नहीं पीता, कौन पीता है फिर? हैं? अरे इस दुनिया का सारा विष कौन पी जाता है? जो दुनिया अमृतमयी बन जाती है, अमर देवताओं की दुनिया बन जाती है, कौन पीता है? हैं? अरे शंकर में सेवा आया हुआ है, वो सेवा एवर प्योर है। वो एवर प्योर सारा विष खींचने वाला है। संसार में विष नाम की कोई चीज नहीं रहेगी। तो ये झूठा कह दिया है, दिखाई दिया है। शंकर विष पीता है, भांग खाता है, धतूरे खाता है, भांग क्या जाने क्या क्या कर दिया।
बाबा कहते शंकर क्या करता है, कुछ भी नहीं, क्या कह देते हैं देव देव महादेव, वो भी मैं हूं। क्या देवताओं में बड़े से बड़ा देवता का पार्ट बजाने वाला कौन है? हैं? शिव बाबा है। तो देखो, परिस्थान स्थापन करने की बात हो रही थी, परिस्थान में कौन जावेंगे? है जो जो महाभारी महाभारत युद्ध से पसार करेंगे। अगर ये युद्ध नहीं लड़ेंगे तो परिस्थान अथवा स्वर्ग में भी नहीं जा सकते। अब चाहे आंखों का युद्ध हो, चाहे कोई भी कर्म इंद्रिय का युद्ध हो, लेकिन बाप ने तो हमें तरीका बता दिया। क्या बताया? हैं? एक तो आत्मा आत्मा भाई भाई देखो, और दूसरा बाप की याद में रह करके कोई कर्म करो तो तुमको कोई पाप नहीं लगेगा। अहंकार में आकर के झूठा अभिमान नहीं धारण कर लेना। क्या? अरे हम तो आत्मिक स्थिति में सारा दिन रहते हैं, अगर ऐसे समझ लेंगे तो क्या होगा? हैं? उल्टा कर्म होगा या सीधा कर्म होगा? उल्टा कर्म ही होगा। तो देखो, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, बिरला मंदिर में जाकर के पढ़ते हैं पट्टे को, परंतु सिर्फ पट्टे को पढ़ते हैं, समझते थोड़े ही हैं कि धर्मराज ने कैसे परिस्थान स्थापन किया। जैसे कोई पट्टे को मनुष्य ने नहीं पढ़ा, जानवर ने पढ़ा। जानवर बुद्धि चलाता है, है? जानवर पढ़ेंगे तो वो जानवर ह्यूमन एनिमल कुछ अक्षर जानेंगे। अक्षरीय ज्ञान होगा या गहराई का ज्ञान होगा? अक्षर ज्ञान हुआ। सिर्फ जानवर बोल नहीं सकते हैं और मनुष्य बोल सकते हैं, बाकी अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तो सब अल्लाह के बच्चे सो सारे उल्लू के बच्चे बन जाते हैं। क्या कहते हैं ना, है अल्लाह शिवोहम, नहीं कहते, कहते ब्रह्मास्मि। कौन कहता है ब्रह्मास्मि? है अरे कौन कहता है? पहले पहले कौन कहता है? ब्रह्मा बाबा कहते हैं, क्यों? वो ब्रह्मा है नहीं है? ब्रह्मा तो है लेकिन परम ब्रह्म नहीं है। क्या? गुरुरु ब्रह्मा, गुरुरु विष्णु, गुरुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमन करते हैं तो सर झुकाते हैं ना, तो सर साकार को झुकाया जाता है या बिंदी को झुकाया जाता है? साकार को, साकार सर झुकाते हैं। साकार के सामने साकार सर ऊंचा करके बात करते हैं, करते हैं या नहीं? तो साकार की साकार से ऐसी व्यवहार की बातें होती हैं। तो देखो, अब सारे ही उल्लू के बच्चे बन गए। कौन है? अच्छा, बीके वाले बन गए उल्लू के बच्चे। कैसे वो कैसे बन गए? हैं? नहीं,
उनकी भी एक्ट ऐसी है। क्या क्या एक्ट है? कि ब्रह्मा का काम, विष्णु का काम, शंकर का काम हम करेंगे। शिव बाबा तो कोई चीज है ही नहीं, वो तो बिंदी है। मुरली में भले बोला साकार और निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है, तो कहेंगे हाँ कहा जाता है, लेकिन जब ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय की बात है। क्या? ब्रह्मा बाबा जीवित थे उस समय शिव बाबा की बात हुई? अभी तो शिव बाबा कौन है, पोस्टर छपाए देते हैं, और साधारण भी के नहीं, बड़े बड़े ब्रह्मा कुमार, कुमार कुमारी, दीदी दादी दादाएं, वो पोस्टर छपाते हैं, उसमें शिव निराकार ऊपर, शंकर की जगह कुमार का दादी, फिर दूसरी दो बड़ी दादी, और वो दूसरी दो बड़ी दादी बदलती रहती हैं। तो देखो मोस्ट बिलवर्ड शिव बाबा कौन हुआ उस त्रिमूर्ति में? कुमार का दादी हो। अब बीके में चले जाओ, सबसे जास्ती फॉलोअर कौन से धर्म के दिखाई पड़ेंगे? हैं? वो उसी इस्लाम धर्म के दिखाई पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि दादी खुद भी कहती थी ब्रह्मा बाबा की गद्दी के नशीन हम बनेंगे, सतयुग में भी बनेंगे, और यहां भी, कहां, संगम युग में भी ब्रह्मा बाबा की गद्दी कौन संभालेंगे? हम संभालेंगे। तो बात तो सही है, जो यहां गद्दी नशीन बनेंगे वो वहां भी गद्दी नशीन बनेंगे। ब्रह्मा बाबा के बाद सतयुग में गद्दी कौन सा नारायण संभालेगा? है हर सेकंड नारायण संभालेगा या नहीं? तो सेकंड नारायण कम कला वाला होता है या संपूर्ण 16 कला संपूर्ण होता है? तो जो कम कला वाला है वो संपूर्ण पवित्र बनेगा? हैं? यहां संगम युग में संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकता। अरे उसका बाप ही संपूर्ण पवित्र नहीं बन पाता, शरीर रहते। कौन? जो पहला लक्ष्मी नारायण है वो संगम युग में शरीर रहते रहते संपूर्ण पवित्र बनते हैं? बनते हैं? कोई नहीं बनते, कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ होता प्योरिटी का तो पवित्रता की पूजा दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? अब ब्रह्मा की पूजा होती है? नहीं होती। मूर्तियां बनती हैं, उन मूर्तियों की पूजा होती है? पूजा भी नहीं होती, मंदिर भी नहीं बनते, और कोई ब्रह्मा को याद भी नहीं करते। अरे कोई कुछ करके गया हो तो यादगार भी बनती है, लोग याद भी करते हैं। तो भगवान तो बहुत कुछ करके गया है, ऐसे नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ दिया, शिव बाबा परमधाम में जाके बैठ गए, तो अब सब कुछ करने वाले हम हैं, प्रस्थान भी स्थापन करने वाले हम हैं। अगर स्वर्ग स्थापन करने वाले हुए तो अल्लाह हूं हुए या नहीं? हैं? हुए। तो मस्जिद में जाके क्या बोलते रहते हैं? अल्लाह हूं बोलते हैं ना? है कहां की यादगार? है संगम युग में शूटिंग की है तो ऐसी यादगार बनी। तो देखो सारे उल्लू के बच्चे बन जाते हैं, बजाय अल्लाह के बच्चे बनने के क्या बन गए? उल्लू के बच्चे, अपसाइड डाउन। अच्छा गीत सुनाओ बच्ची। बाबा को जब समझ में नहीं आती ये बातें तो क्या कहते? अच्छा बच्ची चोली लाओ।
अच्छा बच्चे गीत सुनाओ। मोस्ट स्वीट बनना है तुम्हारे से, ज्ञान रतन ही निकलने चाहिए और सबको मोस्ट स्वीट बनना है। मुख से कभी भी कड़वाहट नहीं निकलनी चाहिए। कोई कड़वाहट निकली और ये पकड़ा, तुम देखो जानते थे कराची में थे, कोई को गुस्सा आता था, अरे रे 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 इनमें भूत आ गया, चलो उनको वहां से उठाओ दूर बैठाओ, नहीं तो क्या होगा है? क्रोध किसी में आ जाए और उसके पास ही कोई सामने बैठ जाए तो क्या होगा, उसको भी भूत आ जाएगा। कोई इनके सामने नहीं जाए, नहीं नहीं तो सामने जाने वाले के अंदर भी भूत आ जाएगा। बिठाओ इनको दूर, फिर नाक से पकड़ करके, कान से पकड़ करके, बाहर में जाए करके बिठाते थे। क्या भूत आने वालों को इशारा दिया, अगर ये क्रोध का भूत आता रहा अंत तक तो रिजल्ट क्या होगी है? सूर्यवंशी मजे में बैठेंगे, अच्छा चंद्रवंशी में बैठेंगे है? नहीं बैठेंगे, कहां दूर बैठेंगे जाके, इस्लामी में चले जाएंगे, बौद्ध में चले जाएंगे, क्रिश्चियंस में चले जाएंगे, दूर दूर देशों में पटके जाएंगे। भारत में ऐसा हुआ है या नहीं हुआ है? कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए दूर चले गए, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए चीन जापान में चले गए, कोई क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हो गए यूरोप में चले गए। तो देखो ऐसे पकड़ पकड़ के उनको बाहर बिठाया जाता है। कौन पकड़ता होगा हा? पकड़ करके जो बाहर बिठाते थे वो कौन होंगे? 36-64 की वाणी का 10वां पेज पता है तुमको? पाकिस्तान में इतनी इतनी इनके ऊपर खबरदारी रहती थी, जो आज में हुआ सो अंत में भी ऐसे होगा। क्या होगा? बाबा ने क्या बोला है? ये ब्राह्मणों का परिवार ऐसा संगठन बन जाएगा जिसमें कोई भी अपवित्र आत्मा पांव नहीं रख सकेगी। तो देखो इन भूतों के ऊपर इतनी खबरदारी आदि में रहती थी, भूत अरे ये तो दूसरों में भी भूत आ जाएगा, इसलिए इनको दूर ही रखो। अर्थात जब कोई भी क्रोध करते थे तो बाबा क्या बोलते थे? हियर हियर नो इविल, टाक नो इविल, उनके साथ बात भी मत करो। बस कोई क्रोध करे, हाँ इनमें भूत है तो चले जाना चाहिए, या तो ताकत है तो बैठ करके मुस्कराना चाहिए। क्या
कोई में भूत आए और उसके सामने बैठ के कोई मुस्कराएगा तो उसका क्रोध ठंडा हो जाएगा क्या? है, हो सकता है और ज्यादा जोर से आ जाए। वाह वाह, मुस्कराते रहो, देखते रहो, तो उसमें भी मजा ही होता है। पीछे यहां तो कोई एकदम असल भूत होते हैं, कोई के सामने खड़े रहो तो उससे भी उनको गुस्सा आ जावे कि भूत को रिस्पॉन्ड क्यों नहीं देते हो। नहीं, हम भूतों को रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं, इस समय हम चुप रहते हैं। क्या? भले मुस्कराओ लेकिन चुप रहो। अच्छा, गीत सुनाओ। अच्छा अच्छा, हाँ गीत सुनाओ। तुमको एकदम स्वीट बनना है, क्योंकि बाप जो स्वीटेस्ट है हम उनके बच्चे बने। हम जानते हैं कि हम बाबा के पास जा रहे हैं, है? किसने बोला? है, ब्रह्मा बाबा ने क्या बोला? क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि हम बाबा के पास जा रहे हैं। क्यों? शिव बाबा उनके अंदर बैठा नहीं था? नहीं बैठा था, है? बैठा था, फिर क्यों कहा हम बाबा के पास जा रहे हैं? है, किनके बाप? ब्रह्मा बाबा के बाप। ये शिव बाबा ने बोला या ब्रह्मा बाबा ने बोला हम बाबा के पास जा रहे हैं? ब्रह्मा बाबा ने बोला। कैसे जाएंगे और कब जाएंगे? हैं? अरे जा रहे हैं तो कभी पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? कब पहुंचने की बात है? हैं? शरीर छोड़ने के बाद 69-70 में, 69-70 में आ गए। फिर तो 69-70 में अगर ज्ञान चंद्रमा कोई में प्रवेश हो जाए फिर तो वो शंकर का पार्ट हो गया, रचयिता का पार्ट हुआ या नहीं हुआ? है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज हो गया ना, तो 69 में पहुंच गए। अरे हम उनके पास जा रहे हैं तो कब तक पहुंचेंगे? हैं? हाँ, छत्तर के लिए बोला। बाबा हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बनाने आए, बस हम उस बिगर कोई स्वीटेस्ट बनाते नहीं हैं। हमको उसके बगैर उस कह के दूर कर दिया। क्यों कर दिया दूर? उसके बगैर, बाजू में ही बैठा है ना बोलने वाला, फिर उस कह के दूर क्यों कर दिया? है कि वो प्रैक्टिकल पार्ट जो प्रत्यक्ष होने वाला है संसार में, जो परिवर्तन करने वाला है, कब्रस्तानी दुनिया को क्या बनाने वाला है? परिस्तान बनाने वाला है, जिसका नाम गाते हैं मुसलमानों में अल्लाह अव्वल दीन, दीन माने धर्म, अव्वल नंबर के धर्म की स्थापना करता है। हम उसके पास जा रहे, बाबा ही हमको मोस्ट स्वीटेस्ट बनाने आए हैं। अगर वो ना आए तो सतयुग में स्वीटेस्ट देवताएं फिर से कहां से आएंगे? तो देखो आते हैं ना, ये नाटक है ना, ये दुनिया एक रंगमंच है, ड्रामा है,
सबको अपना अपना पावन बनाए करके मुक्ति धाम में भेज देते हैं। अच्छे जानते हो कि सब फिर अपना पार्ट बजाने आएंगे। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले आएंगे, फिर क्षत्रिय आएंगे, फिर वैश्य आएंगे, फिर शूद्र आएंगे। कहाँ आएंगे है? कहाँ आएंगे शूद्र? कहाँ आएंगे? अरे कलयुग में आएंगे, यहां संगम युग में नहीं आएंगे। अरे संगम युग में ज्ञान में नहीं आएंगे। जो भी कलयुग के शूद्र हैं वो संगम युग में बाप को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे तो आएंगे ना। तो देखो इस बीच में इस्लामी आएंगे, बौद्धी आएंगे, फलाने फलाने आएंगे। ये ऐसे हो करके 5000 वर्ष में ये झाड़ अब जड़ जड़ीभूत हो गया है। अब फिर कलम लग रही है। किसको कहा जाता है सैंपलिंग? किसकी सैंपलिंग है? अरे आम की सैंपलिंग होती है, अमरूद की सैंपलिंग होती है, फलों की सैंपलिंग लगाते हैं ना। तो ये किसकी सैंपलिंग है? अरे ये इनकी सैंपलिंग है। इनकी है संगम युगी लक्ष्मी नारायण की, जो सनातन है, सबसे पुराने देवी देवताएं आदि सनातन धर्म की सैंपलिंग। तो जो जो मोस्ट बिलीवर्ड बनेंगे, बस समझ लो कि वो नंबर वन में आएंगे। क्या मतलब हुआ नंबर वन में आएंगे है? क्या हुआ नंबर वन में आएंगे हैं? नंबर वन में आएंगे माने जितने भी धर्म हैं दुनिया में है? गीता में पहला ही श्लोक है ना, धर्म क्षेत्र। तो कब की? द्वापर की बात है। अनेक धर्मों का धर्म युद्ध का क्षेत्र द्वापर में होता है या कलयुग के अंत में होता है? कलयुग के अंत में होता है। तो कलयुग के अंत में भगवान जब आते हैं तो नंबर वन आदि सनातन देवी देवता धर्म, जिसे मुसलमान अल्लाह द्वारा स्थापन किया हुआ अव्वल दीन कहते हैं, उस धर्म में तुम बच्चे आएंगे। नंबर वन धर्म व्यक्ति के लिए कहा या धर्मावलंबियों के लिए कहा है? अरे नंबर वन मैंने किससे तुलना की है? और धर्म वालों से तुलना की कि तुम नंबर वन सूर्यवंश में आएंगे। और देखो मेहनत भी क्या है? कोई बड़ी भारी मेहनत कराई जा रही है? नहीं। याद करो, सिमरो, और सिमर सिमर सुख पाओ। सिमर सिमर माने स्मरण 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 करके सुखी होते रहो, कलह क्लेश मिटे सब तन के। अच्छा ओम शांति।